कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ने गहलोत के हाथों 6 MLA बेचे हैं। ये कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बेचा जाता है। शुल्क लेकर के पार्टी के टिकट वितरित किए, लेकिन मेरे से भी शुल्क मांगा गया। दिलाया तो वो बड़ी मोटी रकम लेकर के प्रदेश अध्यक्ष ने लिया, और ऐसा है कि मेरे पास फोन रिकॉर्ड भी है। चित्तौड़गढ़ जिले में बहुजन समाज पार्टी ने टिकट वितरण मामले में जिला प्रभारी रमेश कुमावत ने प्रदेश अध्यक्ष सहित पूरे प्रदेश नेतृत्व पर टिकटों में आवंटन में लाखों रुपए के लेनदेन के गंभीर आरोप लगाए हैं। बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी रमेश कुमावत ने एक होटल में पत्रकार वार्ता में बताया कि वर्तमान में विधानसभा चुनाव में जो टिकट वितरण पार्टी की तरफ से किया गया है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा सहित अन्य पदाधिकारियों ने लाखों रुपए लेकर टिकट का आवंटन किया है। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के चयन में पारदर्शिता और लोकप्रियता को दरकिनार करते हुए सिर्फ पैसे के दम पर टिकटों का आवंटन किया गया है, और योग्य व्यक्ति को टिकट नहीं देकर पार्टी के प्रति गंभीरता को नहीं दर्शाया गया। उन्होंने कहा कि वह स्वयं निम्बाहेड़ा से प्रबल दावेदार थे, लेकिन पैसों के दम पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया, जो कि पार्टी के विचारधारा से बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। उन्होंने मांग की है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस मामले में संज्ञान लेकर टिकटों के आवंटन को लेकर निष्पक्षता से जांच करवाएं, जिससे सत्य सामने आ सके। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश के महासचिव, इन लोगों ने चित्तौड़गढ़ जिले में शुल्क लेकर के पार्टी के टिकट वितरित किए, और किस पार्टी को कौन प्रत्याशी फायदा पहुंचाएगा, उस हिसाब से इन्होंने एग्रीमेंट कर टिकट वितरित किया। और निम्बाहेड़ा से मेरा टिकट फाइनल था, लेकिन मेरे से भी शुल्क मांगा गया, इसलिए मेरा टिकट काट दिया गया। और रूलिंग पार्टी को, किस पार्टी को किस तरीके से इन्होंने एग्रीमेंट कर ऐसी जाति के व्यक्ति को टिकट दिया, जिससे कि पार्टी को जीतने के हिसाब से इन्होंने टिकट दिया, इन्होंने किस पार्टी को फायदा पहुंचाने के हिसाब से टिकट दिया, और किसी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता को टिकट दिलाया तो वो बड़ी मोटी रकम लेकर के प्रदेश अध्यक्ष ने लिया, और ऐसा है कि मेरे पास फोन रिकॉर्ड भी है, प्रदेश अध्यक्ष जी का है, प्रदेश के प्रभारी जी का है, प्रदेश के महासचिव, जो लास्ट कल सुबह तक मुझे, मैं बेगू में था, वहाँ तक उन्होंने कहा रमेश जी आपका टिकट हो जाएगा, आप व्यवस्था रखें। तो मेरा ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी में 25 साल से कार्यरत, 3 बार मैं निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुका हूँ, और यहाँ के लोकल जो दबदबा है, 5 बहुजन समाज पार्टी को जिले के अंदर जिंदा रखा तो रमेश कुमार ने रखा, न कि आप आज जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं उनकी स्थिति ये है कि उनके पास मोटरसाइकिल तक आती है ऐसे व्यक्ति को, और ऐसी सीटें जहाँ है 140 सीटें जहाँ पे कार्यकर्ता नहीं होते हुए किसी को पकड़ पकड़ के पार्टी चुनाव लड़ा रही है, लेकिन जहाँ पार्टी चलने की स्थिति में है उस कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बेचा जाता है। और एक आरोप और है कि राजस्थान के अंदर 2018 में 6 MLA जीत करके आए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी की हैसियत से मैं कहता हूँ कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ने गहलोत के हाथों 6 MLA बेचे हैं। ये आरोप रमेश कुमार बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी का है।